पाठ 23 अर्जुन का निशाना। बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा, गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा, मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया, क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा। कठिन शब्द।
पांडु पांडु पांडव पांडव युधिष्ठिर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य लक्ष्य लक्ष्य अस्त्र शस्त्र अस्त्र शस्त्र शिष्य शिष्य परीक्षा परीक्षा मिट्टी मिट्टी पाठ 24